अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि हम चैप्टर थर्ड डिस्कस कर रहे थे क्लास 9th केमिस्ट्री का, दैट इज़ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, तो हमने जो लास्ट वीडियोस देखी थी या लास्ट वीडियोस में जो भी हमने पढ़ा था वो था कि सबसे पहले हमने एटम्स के बारे में डिस्कस किया था, एटम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट हमने एटॉमिक मास के बारे में डिस्कस किया, नेम ऑफ द एलिमेंट सिंबल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी डिस्कस की, और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में हमने 6 पोस्टुलेट्स देखे थे कि क्या हैं ये 6 पोस्टुलेट्स। आफ्टर दैट जो डाल्टन्स ने जो भी सिंबल्स रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी वो हमने डिस्कस की, और जो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि भाई मॉडर्न सिंबल्स किस तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो हमने एक वीडियो में और चेक किया था कि हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। होप आपने दोनों के दोनों लॉज बहुत अच्छे से देख लिए होंगे। तो जैसा कि डेल्टन्स ने ये सिंबल्स दिए थे, ये बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। अब इन रिप्रेजेंटेशन में दिक्कत कोई नहीं है, बस दिक्कत ये है जब हम इन रिप्रेजेंटेशन को थियोरिटिकली लिखने जाते हैं तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ जाते हैं। कि जैसे हमने लिखना हो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें ये सिंबल बनाने पड़ेंगे, और ये प्रॉपर फॉर्मेशन या फिर ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे पाता है ना। तो इसलिए जो मॉडर्न सिंबल्स हैं वो दिए गए, जो आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एलिमेंट। मॉडर्न डे सिंबल्स क्या हैं? सबसे पहले साइंटिस्ट थे डाल्टन्स, जो इन्होंने सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एलिमेंट्स को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना देखा था, रिप्रेजेंट करना बताया था हमें। नेक्स्ट, एक ब्रेजीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट शुड बी मेड फ्रॉम 1 or 2 लेटर्स ऑफ द नेम। अब इन्होंने क्या सजेस्ट किया कि भाई इस तरीके से जो डेल्टन्स ने सिंबल दिए थे उस तरीके से ना बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं कि एक या दो लेटर्स में उन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एज अ सिंबल्स में। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं कॉपर, कॉपर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Cu में। ठीक है, ये मॉडर्न डे सिंबल्स हैं। तो यही चीज़ें इन्होंने बताई थी। अब भाई द नेम कॉपर वॉज टेकन फ्रॉम सिप्रस। अब जैसे कि कॉपर का जो नाम है वो किससे लिया गया है? सिप्रस से लिया गया है। ठीक है, और ये जो सिप्रस है ये बेसिकली एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ पर सबसे पहली बार ये कॉपर पाया गया था, उसी के नाम पर कॉपर का सिप्रस पड़ा है, और सिप्रस के नाम पर कॉपर है ना। अब नाउ IUPAC जो है, IUPAC क्या है? एक यूनियन है, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इन्होंने इन सिंबल्स को अप्रूव कर दिया कि भाई ये जो आप नेम ऑफ एलिमेंट्स लिख रहे हो और ये जो सिंबल्स आप तरीका बता रहे हो लिखने का, ये अप्रूव्ड है। ठीक है, आगे से यही लिखा जाएगा। अब इनको लिखने का भी एक तरीका है। अब लिखने का क्या तरीका है? जो फर्स्ट लेटर है इन सिंबल्स का, ठीक है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होना चाहिए, दैट इज अपर केस, है ना। और जो सेकेंड लेटर है वो स्मॉल लेटर में होना चाहिए, दैट इज लोअर केस में होना चाहिए। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को लिखने जा रहे हैं तो हम हाइड्रोजन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? एक सिंपल एक लेटर में, दैट इज एच, लेकिन वो भी कैपिटल में होना चाहिए। आप इस तरीके से नहीं लिखोगे एच। हमेशा किसी भी एलिमेंट के अगर हम सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर है दैट शुड बी इन कैपिटल लेटर। अगर उसका सिंबल सिर्फ एक लेटर है दैट वो कैपिटल में होना चाहिए। अगर वो दो लेटर में है सिंबल, जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का दो लेटर में है, दैट इज ए एंड एल। अब ए जो है ये कैपिटल होना चाहिए, एंड जो सेकेंड लेटर है दैट इज एल, वो लोअर केस में होना चाहिए, स्मॉल लेटर में होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास एग्जाम्पल है कोबोल्ट का, कोबोल्ट का भी CO। कभी कभी बच्चे क्या कर देते हैं, कोबोल्ट को CO लिख दिया या फिर CO को कोबोल्ट लिख दिया। तो ये मैं आगे बताऊंगी किस तरीके से, ठीक है, क्योंकि इसमें ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, और इससे वो गलत भी कर देते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं। इनका रिप्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, सम अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम नेम्स ऑफ एलिमेंट इन लैटिन, जर्मन और ग्रीक। कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका जो सिंबल है वो लिया गया है लैटिन वर्ड से, जर्मन वर्ड से, ग्रीक वर्ड से।
मतलब उन एलिमेंट्स का नाम जो लैटिन, जर्मन और ग्रीक में था उसमें से सिंबल्स लिए गए। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जो फर्स्ट या फिर आई थिंक सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से नाम कहाँ से लिए गए हैं, कुछ एलिमेंट्स के मैंने बताए थे। अब जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं आयरन का, अभी आयरन का फर्स्ट लेटर क्या है, एफ जो कैपिटल में लिखा है, और सेकंड है ई जो स्मॉल में लिखा हुआ है। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन आया कहाँ से है, ये लैटिन नेम से आया है। मतलब आयरन को लैटिन में क्या कहा जाता था, फेरम, फेरम, तो यहाँ से ये सिंबल लिया गया है, एफ एंड ई। ऐसे ही सोडियम की बात कर लेते हैं, तो सोडियम नेट्रियम वर्ड से लिया गया है, और सोडियम का अगर हम नॉर्मली अगर सिंबल हम इमेजिन करते हैं तो हम कुछ ऐसे इमेजिन कर लेते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका जो सिंबल है वो एन ए है, और ये जो एन ए सिंबल है ये नेट्रियम से लिया गया है। ठीक है, ऐसे ही पोटेशियम, पोटेशियम के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, पोटेशियम का जो सिंबल है वो लिया गया है कैरियम से। ठीक है, के रिप्रेजेंटेशन जो दी गई है। ऐसे ही और भी कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनके रिप्रेजेंटेशन सिंबल्स से दिखा रखी है आपको, जैसे कि एल्युमिनियम है Al, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ऐसे ही आर्गन Ar है, बेरियम Ba है, लेकिन इनको लिखने का तरीका आप देख रहे हो, पहला लेटर कैपिटल है और दूसरा जो लेटर है वो है स्मॉल में। ऐसे ही आर्गन में पहला लेटर कैपिटल एंड सेकेंड जो लेटर है वो स्मॉल में है, और बेरियम, बेरियम के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, बी जो है कैपिटल में है और ए स्मॉल में है। ऐसे ही कैल्शियम में सी ए है, क्लोरीन सी एल से लिया गया है, कोबोल्ट सी ओ है इसका, फ्लोरीन का सिंबल है एफ, गोल्ड ए यू, हाइड्रोजन एच। ऐसे आयोडीन का आई, एफ ई, आई मीन आयरन का एफ ई, लेड पी बी, नाइट्रोजन एन, ऑक्सीजन ओ, पोटेशियम के, सिलिकन एस आई, सिल्वर ए जी, जिंक जेड एन। देखिए यहाँ पर आपने ध्यान दिया कोबोल्ट, और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, सी ओ टू, लेकिन कुछ बच्चे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सी ओ। तो बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहा अब ये, है ना, अब ये रिप्रेजेंटेशन हो गई है कोबोल्ट की, आप लिख रहे हो कोबोल्ट, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर आप भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हो इन दी सिंबल्स में, ठीक है, थियोरिटिकली अगर आप लिख रहे हो, तो आपने क्या करना है, अगर वो सिंगल सिंगल लेटर में है, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, तो एन ओ टू, आपने दोनों लेटर्स को कैपिटल में लिखना है। ठीक है, जैसे एच टू ओ, दोनों लेटर्स को आप कैपिटल में लिखोगे, ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन, साफ आपको पता चल जाएगा बिल्कुल। तो ये इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन में और भी हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं, 1 to 20 एलिमेंट्स जितने भी आ रहे हैं वहाँ तक के, और उसके अलावा भी मैंने कुछ बताए थे जो आपने अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक मैंने बताया हुआ है एटॉमिक मास का, जो काफ़ी दिक्कत होती है समझने में, तो सबसे पहले आप उसे देखेंगे, नेक्स्ट आप फिर बाद में ये सारी वीडियोज़ देखेंगे, क्योंकि ये सारी इंटरकनेक्टेड है, आपने एक छोड़ दी तो बाकी सारी भी समझना मुश्किल हो जाएंगी। ठीक है।